हेलो एवरीवन मैं हूं किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल ये 29 जुलाई से लेकर फोर्थ अगस्त तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रडिक्शन हैं और इस वीडियो में सभी साइंस के साप्ताहिक राशिफल हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहे वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशि हो आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल लेडीज़ आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एट ऑफ वॉन्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफ़िकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप करना चाह रहे हैं बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं या फिर बहुत स्पीड से बहुत तेज़ी से आप अपने गोल अपने मकसद को अचीव करना चाह रहे हैं और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव आप लेते हुए दिख रहे हैं यानी कि बहुत एक एक्टिव एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हैं उसकी डेडलाइन नज़दीक आ रही है और आपको बहुत सारा काम एक साथ करना पड़ रहा है और इसीलिए भी बहुत तेज़ी से आप चीज़ों को कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत इम्पलसिव हो रहे हैं जल्दबाजी कर रहे हैं और देखिए अगर ऐसा आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें क्योंकि एट टाइम्स हमें इमीजिएट एक्शन लेने पड़ते हैं लेकिन जब हम इम्पलसिव हो जाते हैं जल्दबाजी करते हैं तो हम सही से चीज़ों को प्लान नहीं कर पाते हैं सही से यू नो हम सोच नहीं पाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंपल्सिव जब हम होते हैं तो रॉन्ग डिसीजन रॉन्ग चॉइसेस लेते हैं हमारे एक्शन भी रॉन्ग हो जाते हैं तो इस चीज का ख्याल रखें फिर से क्लियर कर दू इमीडिएट एक्शन लें, लेकिन इंपल्सिव ना हो जल्दबाजी ना करें एंड यस ओवरऑल ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है ये कार्ड कहता है कि एक ग्रोथ एक प्रोग्रेस भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं और फिर से कहूँगी उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं और किसी न्यूज़ ईमेल फ़ोन कॉल मैसेज का अगर आप वेट कर रहे थे आपको मिलता हुआ दिख रहा है और ये न्यूज़ मैसेज ई फ़ोन कॉल एक एंथुजियाजम एक एक्साइटमेंट लाता हुआ दिख रहा है ओवरऑल भी आप काफ़ी एक्साइटेड अपने गोल अपने मकसद को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइन ऑफ वॉन्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा ना आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें जो भी आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है उस पर फोकस कर रहे हैं अब देखिए जनरल रीडिंग है सिचुएशन सकम सब के लिए डिफर करेंगे कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि बस और हिम्मत नहीं है आर्ग्यूमेंट्स करने की थोड़ा सा अपने आपको प्रोटेक्ट करो इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स में ना पढ़ो कुछ के लिए हो सकता है कि, कि किसी चीज़ को आप टाइम से अचीव करना चाह रहे हैं आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि बस यू you नो know, और हिम्मत नहीं है इस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की अब जो है जैसा है उसी को ही एक्सेप्ट कर लो और ओवरऑल के लिए देखिए अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके बारे में ठीक नहीं सोच रहा है कोई आपको लेकर को गलत यू नो धारणा रख रहा है भावना रख रहा है या फिर कोई गलत अगर आपके साथ कर भी रहा है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अब इन सब चीज़ों को सुन के आपने डरना नहीं है घबराना नहीं है क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है और वीकली रीडिंग है वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं छोटी मोटी चीज़ें अभी मुझे एग्जाम्पल नहीं आ रहा है जैसे अगर आप सोशल मीडिया में ही हैं तो आपके लिए कोई गलत अगर लिख रहा है तो ये बहुत एक टेम्प्ररी सा फ़ेज़ है आप जब ज़्यादा जवाब देते हैं ज़्यादा यू नो अपने आप को क्लैरिफाई करते हैं तो वो चीज़ बहुत हाईलाइट हो जाती है और ज़्यादा यू नो वो आपका कमेंट या फिर अगर किसी ने आपके लिए गलत कमेंट लिखा वो दिखना शुरू हो जाता है लोगों को तो ऐसे में आप अवॉइड करें जवाब ना दें और इसी तरीके से यू you नो know, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दिया मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ ऐसा हो रहा है अपने आप को कैसे इन्हें सब चीजों से दूर रखें खुद को प्रोटेक्ट करें कैसे पीस ऑफ माइंड मेंटेन करें करें उस ज़्यादा फोकस करें, खाम की चीजों में उलझे ना खाम की चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें हालांकि देखिए बहुत सारे एरीज़ की अपने आप से ही ऐसी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं जिनकी नहीं है वो इन चीजों का ख्याल रखें एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बा कार्ड है और बहुत क्लियर आपके लिए मैसेज है पास्ट में अगर कोई भी आपका एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ को लेकर ठीक नहीं रहा या फिर कोई आपका गोल था मकसद था जिसको आप अचीव नहीं कर पाए तो उस चीज़ की वजह से आप जो अभी कर रहे हैं उसको लेकर नेगेटिव ना हो कितनी बारी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनका पास्ट रिलेशनशिप बड़ा खराब गया होता है उनको धोखा मिला होता है तो वो करंट रिलेशनशिप में करंट पार्टनर को भी नहीं ट्रस्ट कर पाते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास्ट हुआ उसकी वजह से आप प्रेजेंट जो भी आपके पास है उसको नहीं अच्छे से मैं कहूँगी कि अवेल कर पा रहे हैं या फिर उनके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं इसी तरीके से प्रोफेशनल फ्रंट में अगर हमने यू you नो know, कुछ गोल नहीं अचीव कर पाए और हम ये सोचने लग जाएं कि भाई हम तो कर ही नहीं सकते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है और इसकी वजह से जो करेंट हमारे पास गोल्स हैं उनको हम ना अचीव करें ना अचीव करें इज़ एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड मतलब अपना हंड्रेड ना दें हम उस तरीके से उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव ना लें तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं हैं, तो बहुत क्लियर अगेन मैं कहूंगी मैसेज है कि पास्ट की किसी भी बात को आप करंट सिचुएशन में ना इंपैक्ट होने दें ना इन्फ्लुएंस होने दें एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन और ब्राइट कलर्स आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए तो चलिए डॉलर्स तो आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज़ हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है टेन ऑफ वॉर्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफ़िकली प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर एक स्ट्रेस एक टेंशन आप महसूस कर सकते हैं अब देखिए इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है और दूसरी बात वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं और वैसे भी ये कार्ड कहता है कि ये प्रेशर टेंशन स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं शायद आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं और इसी चीज को चेक करके करेक्ट करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे यानी कि देखिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ले सकते हैं या फिर जितना काम आप बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं ना आप उतना ही करें अपने आप को ओवर स्ट्रेस ना करें आप यू you नो know, ओवर लोड अपने ऊपर ना लें और देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम चीज़ों को आसान करने के लिए या फिर फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर लेते हैं और हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि शायद यू नो फ्यूचर में हमारी फाइनेंशियली लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी या फिर करियर वाइज़ बहुत अच्छा हम कर रहे होंगे लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ हमारी ख़राब हो जाएगी अब देखिए तीन चार दिन या एक हफ्ता ऐसी एनर्जीज़ में रहने से नहीं होगा बट अगर आप बहुत टाइम से ही अपने ऊपर बहुत प्रेशर ले रहे हैं अगेन जितना काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आगे चलकर फिर से मैं कहूँगी अपने गोल्स आप अचीव कर लेंगे अगेन फाइनेंशली चीजें ठीक हो जाएंगी लेकिन फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो अगर इसी वीक से ये एनर्जीज हैं तो फिर स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन तुरंत इसको ठीक करें और अगर बहुत टाइम से है किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं अगर आप कुछ कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर आप रिलैक्स करें यूनिवर्स को सरेंडर करें और अगर आपने ही बहुत सारा प्रेशर लिया हुआ है अपने ऊपर बहुत सारा काम अपने ऊपर लिया हुआ है तो उसको धीरे धीरे आप कम करें एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए ईगो का कार्ड है तो देखिए ईगो का कार्ड बहुत ही क्लियरली सबसे पहली चीज़ कहता है कि पर्सनल फ्रंट में ईगो से रिलेटेड इश्यूज़ ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और ये हमारे ही हाथ में होता है हम थोड़ा सा भी इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में सुधार लेते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना है और दूसरी बात ये कार्ड कहता है आप बहुत ऑब्सेसिव किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं काफ़ी पोजिसिव किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं और देखिए यही एक बहुत बड़ा दुख का कारण भी होता है वो चाहे प्रोफेशनल फ्रेंड में हो या पर्सनल फ्रेंड में हो तो इस चीज़ को भी आपने चेक करके करेक्ट करना है अब देखिए ऑब्सेसिव पोजेसिव या ओवर अटैचमेंट वाली एनर्जी सब के लिए डिफरेंट चीज़ों को लेकर होंगी कुछ के लिए कोई ख़ास आपके लाइफ में इंसान हो सकते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है अच्छा कई बार हम अपने बच्चों को लेकर भी बड़े ऑब्सेसिव हो जाते हैं हम अपने पेरेंट्स को लेकर या किसी फ्रेंड को लीग को लेकर बड़े ऑब्सेसिव हो जाते हैं तो देखिए किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप ओवर अटैच हो रहे हैं कई बार जो हम काम कर रहे होते हैं उसके आउटकम को कर बड़े पोजेसिव हो जाते हैं बहुत अटैच हो जाते हैं कि भाई हमें तो ये पॉजिटिव आउटकम मिलना ही मिलना चाहिए हम ये भूल जाते हैं कि जो चीज हम सोच रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छी है वो जरूरी नहीं है कि हमारे लिए बहुत अच्छी हो आप थोड़ा सा भी पॉज करके अगर पीछे मुड़कर देखें आपको बहुत सारे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे जहां पर आपको ऐसा लगा कि ये आपके लिए बेस्ट है वो चीज आपको नहीं मिली आप बड़े दुखी हुए लेकिन आगे जब लाइफ में गए तो आपको रियलाइज हुआ कि कितना अच्छा हुआ उस टाइम पे वो चीज नहीं मिली क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं थी तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई हम एक लिमिट तक देख पाते हैं यूनिवर्स बहुत दूर तक देख पाते हैं जो हम चाहते हैं उसके लिए हम एक्शन लें इनिशिएटिव लें लेकिन आउटकम के साथ हम ज़्यादा अटैच ना हो आउटकम हम यूनिवर्स पे छोड़ दें एक सरेंडर मोड में रहें और जब हम ऐसा करते हैं ना यकीन मानिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है हमने जो चाहा हमें मिल गया बहुत अच्छी बात है नहीं मिला तो इसका मतलब ये यूनिवर्स की चाहत थी ये यूनिवर्स का प्लान था और यूनिवर्स का प्लान हमेशा ही हमारे प्लान से ज्यादा बेहतर रहेगा इन एनर्जीज़ में रहेंगे अगेन सरेंडर मोड में रहेंगे ये वीक आपका मस्त निकल जाएगा लेकिन अगर आप बहुत क्लिंगी हुए अटैच हुए चीजों को लेकर आउटकम को लेकर ऑफिस से हुए बहुत परेशान होंगे अब देखिए चॉइस आपकी है एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन टॉरस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान तो जो भी आप चाह रहे हैं भले ही आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो पर्सनल फ्रंट हो अगर आप बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक हो के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे तो आप उसको नहीं अचीव कर पाएंगे देखिए बहुत क्लियरली लिखा है आपके जो भी ख्वाब हैं आपका जो भी विजन है उसको प्रैक्टिकल रियलिस्टिक प्लानिंग की ज़रूरत है इस चीज़ का ख्याल रखेंगे डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और नहीं रखेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप अचीव कर पाएंगे एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए Uranus का कार्ड है इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए चलिए जर्मनीस आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज़ हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ट्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफ़िकली प्रोफेशनल फ्रंट में एक अलग सा एंथुजाजम एक अलग सी एक्साइटमेंट रह सकती है हो सकता है कि आप अपने गोल मकसद के लिए बहुत मोटिवेटेड हैं बट थोड़ा सा पॉज करके चेक कर लें कि कहीं ओवर एंथुजियाजम ओवर एक्साइटमेंट तो नहीं है कहीं यू नो एक बचकानी सी एनर्जीज़ तो नहीं है या फिर बच्चों वाली एक्साइटमेंट तो नहीं है कहीं आप थोड़े से इमेच्योर तो नहीं हो रहे हैं और अगर ऐसा पाएं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें कुछ के लिए हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई बहुत यंग इंसान है अब यंग सिर्फ एज से नहीं कई बार बहुत मेच्योर लोग भी काफ़ी इमेच्योर होते हैं यानी कि एज से जो बड़े होते हैं वो भी काफ़ी इमेच्योर तरीके से बिहेव करते हैं और अगर ऐसा कोई इंसान है तो इस वीक थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि उनकी एनर्जीज के साथ आप भी यू you नो know, हो सकता है रॉन्ग डिसीजन ले लें रॉन्ग चॉइस ले लें ले. एंड बिना सोचे समझे या फिर किसी एक्सपीरियंशल इंसान से बात करे बगैर कोई भी बड़ा डिसीज़न ना लें कोई भी बड़ी चॉइस ना लें कोई भी एक्शन इनिशिएटिव ना लें जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ जोश में आपने होश नहीं खोना क्योंकि इस वीक जोश तो बहुत दिख रहा है और ऐसे में आप इम्पल्सिव होकर कुछ रॉन्ग डिसीज़न चॉइसज़ ले सकते हैं इसीलिए मैंने कहा कि बड़ा डिसीज़न स्पेसिफ़िकली बड़ी चॉइस बड़ा एक्शन बड़ा इनिशिएटिव किसी एक्सपीरियंशल इंसान से बात करे बगैर इस वीक आप नहीं लेंगे किसी मैसेज फ़ोन कॉल ईमेल का वेट कर रहे हैं इस वीक आपको मिल सकता है और ये मैसेज फ़ोन कॉल ईमेल भी आपको एक एंथुजम एक्साइटमेंट दे सकता है ओवरऑल ये वीक वी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है कोई मसला नहीं है कोई परेशानी नहीं है सिर्फ आप ही की एनर्जीज़ की वजह से अगर आपने कोई रॉन्ग डिसीज़न चॉइस लिया तो फिर आगे चल के इश्यूज़ हो सकते हैं अदरवाइज़ यू नो ये वीक अगेन मैं कहूँगी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि छोटे मोटे इश्यूज़ छोटे मोटे मसले रह रहे हैं जो कि आपको किसी लेवल पे फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है आ रहा हो अब यहाँ पर देखिए सब के लिए डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस रहेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि, कि किसी इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा है किसी इंसान को लेकर बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है ये इंसान भी सबके लिए डिफ़र करेंगे कुछ के लिए यू नो रोमांटिक लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं आपके पार्टनर कुछ के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं बच्चे हो सकते हैं कोई फ्रेंड कोलीग हो सकता है कोई भी इंसान हो सकता है कुछ के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है यानी कि आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं एफर्ट कर रहे हैं और उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा है ये चीज़ आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है अब देखिए सिचुएशन सरकमस्टांसेस सबके लिए डिफर करेंगे लेकिन मन ही मन कोई चीज़ आपको बॉर्डर कर रही है लेकिन आप बहुत ही लविंगली बहुत ही कंपैशनेटली चीज़ों को डील कर रहे हैं आप इस गुस्से को इस फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं और देखिए यही एक रियल स्ट्रेंथ भी होती है इस कार्ड का टाइटल भी स्ट्रेंथ है गुस्सा इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस एंड बहुत लविंगली कंपैशनेटली चीज़ों को डील करना इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ तो देखिए इस तरीके की एनर्जी रह रही हैं और जब भी भी एक कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है बहुत ज़बरदस्त यू नो डिटर्मिनेशन है और आप जो चाहें उसको अचीव कर सकते हैं इस चीज़ की रियलाइजेशन में रहें और इम्पल्सिव ना हो हालांकि देखिए ये कार्ड नहीं कहता कि आप इम्पलसिव होंगे लेकिन यस गुस्से फ्रस्टेशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें ये वीक निकल जाएगा नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा और फिर देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं बट इस वीक अगर ये रियल स्ट्रेंथ आप दिखाते हैं यानी कि जो भी इस तरीके की इमोशन्स हैं फीलिंग्स हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं ट्रस्ट मी ये वीक आपका बहुत अच्छा जाएगा लेकिन थोड़ा सा भी आप वीक पड़ गए आप वलरेबल हो गए तो फिर आप परेशान हो सकते हैं एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे का कार्ड है तो देखिए बहुत क्लियर मैसेज है कि ईगो की, की वजह से घमंड की वजह से एरोगेंस की वजह से चीज़ों को ना ख़राब होने दें और देखिए ये बहुत बड़ा एक रीज़न होता है जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर हमें लगता है कि बस हम ही बेस्ट हैं हम ही बेस्ट हैं ये सोचना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन इसको लेकर एक गुरू आना इसको लेकर एक घमंड आना वो चीज़ों को ख़राब करता है और अगर आपको भी लगे कि इस तरीके की एनर्जीज़ हैं ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें एंड येस देखिए दोनों ही फ्रेंड्स ठीक ठाक रहते हुए दिख रहे हैं प्रोफेशनल तो बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है अगर आप अपने जोश को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें और पर्सनल में भी कोई चीज़ ऐसे ख़राब नहीं होती हुई दिख रही है इनफैक्ट चीज़ें ठीक रहेंगी अगर जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं आप उनको अपने ऊपर ना हावी होने दें एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन साइन का कार्ड है इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे तो ये था आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए चलिए आप लोगों के लिए दिखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द वर्ल्ड सबसे पहली चीज द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक आउट ऑफ़ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी किसी लेवल पे किसी तरीके से रह सकती है अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो ये एक्टिविटीज सबके लिए डिफर करेगी कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप अपने काम को ग्लोबल लेकर जाए इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सप्लोर करें कुछ के लिए हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हैं कुछ के लिए सिंपली आप अपने मन में प्लानिंग कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी अगर आउट ऑफ द कंट्री आपका काम है तो आप अपने क्लाइंट से इस वीक ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं कर रहे हैं या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वीज़ा पासपोर्ट इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं इनसे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं और देखिए ये कार्ड कहीं एक फेज़ के कंप्लीट होके नए फेज़ के शुरू होने की भी बात करता है अब फिर से कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो ये एक एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी कुछ के लिए हो सकता है कोई चीज़ किसी लेवल पे एंड हो रही है और नई चीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में स्टार्ट हो रही है जैसे कि होता है ना प्रोजेक्ट खत्म हो गया नया प्रोजेक्ट आप ज्वाइन कर रहे हैं टीम के साथ आपका काम ख़त्म हो गया आप नई टीम ज्वाइन कर रहे हैं नई जगह आप जा रहे हैं काम करने के लिए अब देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में ही, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट एंडिंग बिगनिंग होगी कुछ के लिए जैसे अभी मैंने कहा कि हो रही है कुछ के लिए हो सकता है आप चाह रहे हैं ऑल इन ऑल जो भी इस वीक हो रहा है काफ़ी अच्छा ये वीक जाता हुआ दिख रहा है द वर्ल्ड का कार्ड बहुत एक अप्रिसिएशन रिकग्निशन भी मिलने की बात करता है तो कुछ ऐसा भी आपके लिए होता हुआ दिख रहा है एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स आपके काफ़ी अच्छे इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं ये हफ्ता मैं कह सकती हूँ अच्छा जाता हुआ दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं मनी पैसा मेटेलिस्टिक टैंजेबल चीज़ों की बात करता है और इन्हीं से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी या तो होने की बात करता है या फिर कैसे आए उस पर फोकस करने की बात करता है आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं इस कार्ड में जो फिगर हैं वो अपने सामने यू you नो know, uh... एक जैसे बोलते हैं पेपर रख के प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं और आपके लिए भी ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है और जब देखिए हम प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ चीज़ों को करते हैं तो बहुत सारे जो इश्यूज मसले प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ना हम उनको अवॉइड करते हैं जितना हम स्ट्रेटजिकली चीज़ों को करते हैं अच्छे से प्लान करके करते हैं अपना होमवर्क करते हैं उतने इशूज़ मसले कम होते हैं और जितना हम बिना सोचे समझे चीज़ों को करते हैं ना उतना हम इन द प्रोसेस में परेशान हैं तो इस वीक सेफ्टी सिक्योरिटी आपके लिए बहुत अहम रह रही है आपको ऐसे लग रहा है कि खाम खाम के जो इश्यूज हो सकते हैं ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे बहुत सेफ सिक्योर होकर काम करना है इनफैक्ट देखिए जो भी आप चाह रहे हैं क्योंकि ये पर्सनल फ्रंट है तो हम काम करने से रिलेटेड सिर्फ नहीं देख सकते हैं जो भी आप चाह रहे हैं अपने पर्सनल फ्रंट में आप बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर होकर करना चाह रहे हैं इनफैक्ट हो सकता है कि अगर थोड़ा सा पॉज आ जाए थोड़ा सा चीज़ें ना भी हों वो आपको गवारा है लेकिन अनप्लान्ड चीज़ों को करना बिना सोचे समझे चीज़ों को करना और फिर परेशान होना ये इस वीक आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं है एंड yes, ये सी ए वी भी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है मनी पैसे से रिलेटेड चीज़ें ठीक ठाक रह सकती हैं इनफैक्ट आप बहुत वाइजली चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं बट क्या होता है ना कभी कभी जब नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है हम कहते हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी पे इतना ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं कि आप जो चाह रहे हैं उसके लिए आप एक्शन इनिशियेटिव ही नहीं ले रहे हैं और देखिए जब ऐसा होता है ना वो भी कहीं ठीक नहीं होता है क्योंकि ऐसे में हम अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं तो एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को करें ओवर सेफ सिक्योर होके भी ना चलें और यू uh, नो you know, बिना सोचे समझे तो आप कर ही नहीं रहे हैं चीज़ों को तो वो तो कहना ही फजूल है बट येस यू नो कोई भी चीज़ जब ओवर हो जाती है तो हमें परेशान करती है तो फिर से कहूँगी इस भी ख्याल रखें कि ओवर ही सेफ सिक्योर होके ना चलें किसी चीज़ को लेकर जिद ना पकड़ें रिजिड बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर ना हो फिक्सेटेड किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ना हो एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन कैंसर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है पर्सनल इशू रीच इज रेजोल्यूशन तो कोई इशू कोई प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही थी अब देखिए प्रॉब्लम बहुत हेवी वर्ड हो जाता है बट होता है ना कोई चीज है जो रिजॉल्व ही नहीं हो रही है जो सॉल्व ही नहीं हो रही है और किसी लेवल पे आपको बॉडर कर रही है परेशान कर रही है इस वीक कहीं वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही है इस वीक कहीं वो सॉल्व होती हुई दिख रही है एंड स्ट्रॉलोजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड मेरून रेड यस रेड मेरून आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे तो ये था कैंसि आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साथ राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए चलिए लियोज आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एट ऑफ सोड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज छोटे मोटे मसले रह सकते हैं अब देखिए ये मसले सबके लिए डिफर करेंगे लेकिन कार्ड के हिसाब से देखें तो कहीं यू you नो know, आपको ऐसे लग रहा है कि उतनी फ्रीडम आपको नहीं है जो भी आप करना चाह रहे हैं जो भी आप कहना चाह रहे हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक रिस्ट्रिक्शन एक लिमिटेशन किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से आप महसूस कर रहे हैं होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं बहुत एक कन्फ्यूजन होती है हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें इस सिचुएशन में और कहीं फिर से मैं कहूँगी वर्क फ्रंट पे कुछ भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं या कोई भी और रीज़न हो सकता है उसकी वजह से एक रिस्ट्रिक्शन एक लिमिटेशन आप महसूस कर रहे हैं अगेन उतनी फ्रीडम आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन रह रही है अब देखिए ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है और इस वीक अगर जो भी चीज़ आपको बॉडर कर रही है उसके सल्यूशन पर आप फोकस करते हैं यानी कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ये वीक आपका बेहतर जाएगा लेकिन अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करने लगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और आप और परेशान होते जाएंगे और देखिए वैसे भी ये लाइफ है हमेशा ही हमारे हिसाब से चीजें चले ये तो पॉसिबल नहीं है जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा रहे होते हैं रस्ते में रेड लाइट आती है टाइम्स हमें ट्रैफिक जाम मिल जाता है और जब हम इन्हीं चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं क्रिप करने लगते हैं तो वो जो एक हमारा वेटिंग टाइम होता है ना रेड लाइट पे या ट्रैफिक जैम पे, वो हमें और ज़्यादा बड़ा लगने लगता है और जब हम अपने आप को किसी और चीज़ में ऑक्योपाई कर लेते हैं अपने माइंड को किसी और चीज़ में लगा लेते हैं हम अपने फ़ोन पर किसी से बात कर लें या फिर हम यूट्यूब इंस्टा पे यू नो रील्स देख लें या कोई एक uh, इंफॉर्मेटिव uh, वीडियो देख लें तो हमारा वो टाइम बड़ा ही जल्दी पास हो जाता है और हम परेशान भी नहीं होते हैं तो देखिए लाइफ में इश्यूज मसले रहेंगे लेकिन कैसे आप चीज़ों को डील करते हैं आप कितना प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं कितना आप उसके सोल्यूशन पे फोकस करते हैं वही डिटरमिन करता है आप उस सिचुएशन में परेशान रहेंगे या फिर आप बहुत इजीली उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे तो इस वीक आप कैसे इस चीज़ को डील करते हैं यही डिटर्मिन करेगा कि आपका ये वीक कैसा जाएगा एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं इस कार्ड में जो फिगर हैं वो रस्सी के ऊपर खड़े हुए हैं और कहीं एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है जहाँ पे अगर मैं ब्रॉडर लेवल के लिए कहूँ तो बैलेंस आप मेंटेन करना चाह रहे हैं अब ये जनरल रीडिंग है तो ये बैलेंस मेंटेन करना सबके लिए डिफ़र करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं और सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि, कि किसको आप ड्रॉप करें किसको आप परस्यू करें और इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करना आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है या फिर मैं कहूँगी इन सब चीज़ों को एक साथ बैलेंस मेंटेन करने में बहुत आपका एफर्ट लग रहा है कुछ के लिए पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट को हो सकता है आप बैलेंस करना चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा कामों में आप इन्वॉल्व हैं कुछ के लिए हो सकता है आप मनी को यू नो मनी से रिलेटेड बजट बना रहे हैं किसी चीज़ पे आपका बहुत खर्चा हो गया और दूसरे खर्चे इस वीक आप अवॉइड कर रहे हैं ताकि एक बैलेंस मेंटेन हो जाए तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं कहीं ओवरऑल एक बैलेंस आप मैंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कभी कभी होता है ना दो लोगों में हम टू एंड फ्रो हो रहे होते हैं हमारे लिए दोनों ही लोग इम्पोर्टेंट होते हैं और दोनों ही हमारी अटेंशन टेंशन चाह रहे होते हैं दोनों ही हमारा टाइम चाह रहे होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे मैनेज करें तो यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि, कि किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया तो दूसरी चीज़ पर हम खर्चा अवॉइड कर रहे हैं ताकि एक बैलेंस मेंटेन हो तो इस तरीके की एनर्जीज पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं टू ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड तो कुछ भी खराब नहीं हो रहा है लेकिन येस यू नो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से कहीं एक बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ रहा है आप ये बैलेंस मेंटेन करेंगे आप यू you नो know, एक बहुत लाइट हार्टेडली या फिर फन मज़ा मस्ती में इन चीज़ों को डील करेंगे ये भी आपका ठीक ठाक जाएगा नहीं तो फिर अगेन कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हो रही है लेकिन जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं या फिर बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे तो थोड़ी सी जो एक उलझन होती है वो पर्सनल फ्रंट में रह सकती है और प्रोफेशनल में मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से डील करेंगे वही डिटरमिन करेगा एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन लिब्रा का, का कार्ड है और ये कार्ड कहता है न्यू रोमांटिक साइकिल बिकिन्स और ये जनरल रीडिंग है तो हम रोमांटिक तो नहीं कहेंगे लेकिन यस कोई नई शुरुआत या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं या फिर कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको आप लेट गो करें और जो चीज़ें सर्व कर रही हैं उनको आप परस्यू करें जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं उनको आप वेलकम करें एंड स्ट्रॉलोजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे तो ये था लियोजा आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए तो चलिए हो गुज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रेंड के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है टेन ऑफ कप्स ऑफ कप्स का कार्ड टायरों में कहीं हैप्पीनेस जॉय की बात करता है कहीं यू नो फैमिली की तरफ से एक बहुत सपोर्टिव एनर्जीज की भी बात करता है और फैमिली के साथ बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी लोग हमारे साथ काम करते हैं हमारे लिए काम करते हैं वो एक तरीके से हमारी प्रोफेशनल फैमिली ही होते हैं तो उनकी तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप के साथ ज्यादा इंटरेक्शंस कर रहे हैं ज्यादा बातचीत कर रहे हैं उनके साथ कैसे आपका बॉन्ड बेहतर हो उस पर जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रेंड में हो रहा है कहीं यू नो प्रोफेशनल फैमिली मेंबर्स के साथ आपका बॉन्ड बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है आप लोगों में बहुत एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है जिस चीज को आप चीज को आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं एंड कुछ के लिए हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं उसको आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इसलिए एक हैप्पीनेस जॉय रह रही है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी काम पर आप बहुत बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे फोकस कर रहे थे इस वीक वो कंप्लीट हो रहा है और आपको बहुत अप्रिसिएशन रिकग्निशन मिल रही है तो देखिए रीजन सब के लिए डिफर करेगा ब्रॉडर लेवल के लिए कहीं एक हैप्पीनेस जॉय रहती हुई दिख रही है और ये हैप्पीनेस जॉय का सोर्स मनी पैसा मेटेलिस्टिक टैंजेबल चीजें नहीं रह रही हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनी पैसे की तरफ से आपको गेन नहीं हो रहा है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन ये रीजन आपकी खुशी का नहीं रहता हुआ दिख रहा है खुशी का रीज़न कहीं वो सैटिस्फेक्शन कंटेंटमेंट जो काम करके आती है वो रह सकता है लोग रह सकते हैं रिलेशनशिप्स रह सकते हैं अप्रिसिएशन रिकग्निशन रह सकती है तो आप खुश रहते हुए देख रहे हैं एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए आप लोगों के लिए ए ऑफ सोच का, का कार्ड है और ये कार्ड कहीं बहुत ही माइंड से लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है तो देखिए जहाँ प्रोफेशनल फ्रंट में आप चीज़ों को लेकर लोगों को लेकर बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं वही पर्सनल फ्रंट में आप बिल्कुल इमोशंस फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं आप एक डिटैचमेंट के साथ माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं हो सकता है पीछे आप काफ़ी इमोशनल हो रहे थे सेंटिमेंटल हो रहे थे और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि बस यू you नो know, ये इमोशंस की वजह से ही परेशानियां होती हैं तो इन इमोशंस को अपने ऊपर नहीं हावी होने देना ये आपके पर्सनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है पीछे किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन थी या यू you नो know, आप क्लियर नहीं थे तो इस वीक एक क्लैरिटी भी आप लाना चाह रहे हैं और छोटे मोटे इशूज़ छोटे मोटे चैलेंजेस भी पर्सनल फ्रंट में रह सकते हैं और जब भी ऑफ़ सोच का कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि इन चैलेंजेस के लिए अगर आपने फाइटिंग स्प्रिट रखी आप इमोशनल नहीं हुए आपने माइंड से चीज़ों को डील किया आप बहुत इजीली इनसे बाहर निकल जाएंगे और अगर थोड़ा सा भी आप घबरा गए परेशान हो गए नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए तो फिर ये परेशानियाँ आपको और परेशान करेंगी अब देखिए फाइटिंग स्प्रिट का मतलब ये नहीं है कि हमने लड़ना है लोगों से बट येस अपने लिए स्टैंड लेना है किसी की गलत बात नहीं टॉलोरेट करनी है और सबसे बड़ी एक लड़ाई हमारी होती है हमारे ही नेगेटिव थाट से हमारे ही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से और जब तक ये लड़ाई हम करते रहते हैं ना ट्रस्ट ट्रस्टवी एक्सटर्नल फ्रंट पे कोई चीज़ हमें परेशान नहीं कर पाती है तो इस चीज़ का ख्याल रखें सबसे पहली लड़ाई आपको आपके नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से करनी है और सिचुएशन सर्कम से लड़ाई करनी है लोगों से लड़ें ना बट येस बहुत ही क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रखें और गलत बात ना टॉलरेट करें ऐसा करेंगे ये भी ठीक जाएगा नहीं तो थोड़े से परेशान हो सकते हैं एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्डिनल मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव आपने वो एक कहावत सुनी होगी पहले आप पहले आप में गाड़ी ना निकल जाए और ये कार्ड कहता है कि अगर आप इसी एनर्जी में रहना पहले आप पहले आप तो फिर जो आप चाहते हैं उसको नहीं अचीव कर पाएंगे बहुत ही बोल्डली बहुत ही करेजसली जो भी आप चाहते हैं उसके लिए पहला कदम आप यू you नो know, पहला एक्शन खुद लें इनिशिएटिव आप लें सामने वाले का इंतज़ार ना करें एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस का साइन का कार्ड है इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे तो ये था वगोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सब्ताह एक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए चलिए लिब्राह आप लोगों के लिए देखें ये कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजाजम एक्साइटमेंट आप महसूस कर सकते हैं बहुत करेजसली बहुत बोल्डली जो भी आपका गोल है जो भी आपका मकसद है उस डायरेक्शन में आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं इस वीक आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ से बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं हो रहे हैं थोड़ी सी एक रेस्टलेसनेस ज़रूर हो सकती है और वो भी कहीं नेगेटिव रेस्टलेसनेस नहीं रहती हुई दिख रही है गोल को अचीव कर ने की मकसद को पाने के लिए जो कभी कभी पॉजिटिव रेस्टलेसनेस हो जाती है वो रह सकती है और इस वीक आपकी ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि आप किसी की भी कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव खुद को लेकर होते हुए दिख रहे हैं और बहुत श्योर होके बहुत कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को डील भी करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई फीमेल है या मेल हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं या फिर उनकी वजह से बहुत एक एंथुजाजम बहुत एक्साइटमेंट आप महसूस कर रहे हैं ऑल इन ऑल ये वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो देखिए पर्सनल फ्रंट में कहीं मनी पैसा मेटेलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें या तो आपके लिए काफ़ी अहम रह रही हैं आप काफ़ी इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं या फिर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन फ़ायदा हो रहा है अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो ये गेन फ़ायदा सबके लिए डिफर करेगा कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप किसी लव वन से कमिटमेंट चाह रहे थे और वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो इस वीक यू नो उनकी तरफ से एक कमिटमेंट आपको मिल रही है या यू you नो know, सिमिलरली अगर आप किसी को कमिट नहीं करना चाह रहे थे तो इस वीक आपको ऐसे लग सकता है नहीं आप कमिटमेंट दे सकते हैं और आप इसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है किसी से कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है किसी कुछ के लिए हो सकता है आप किसी अपने लव वन को गिफ्ट दे रहे हैं और देखिए ऑल इन ऑल हो सकता है आपका खर्चा भी इस वीक हो रहा है क्योंकि ये अपराइट कार्ड है और किंग बहुत ही मेच्योर फिगर होते हैं तो कहीं पॉजिटिव चीज़ों पे ही खर्चा हो रहा है होता है ना कभी कभी बहुत टाइम से हम कोई बड़ी परचेज करना चाहते हैं अदरवाइज़ भी कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं नहीं खरीद रहे होते हैं किसी भी रीज़न की वजह से तो इस वीक आप खरीदते हुए दिख रहे हैं घर पे फैमिली पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप ब्रांडेड आइटम्स या फिर कोई ऐसी जैसे मैंने अभी आपको कहा महंगी चीज़ खरीद रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है अपने घर को ब्यूटिफाई कर रहे हैं घर के लिए कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं तो देखिए फिर से मैं कहूँगी ये वीक पर्सनल फ्रंट में ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है और मनी पैसा और इन्हीं सब चीजों पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि इंटरेक्शन बातचीत हो रही है उनकी तरफ से एक है या फिर अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उनकी तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है ओवरऑल के लिए ये पूरा ही वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन लिब्रा का कार्ड है और ये कार्ड क्या कहता है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट तो देखिए जो भी आप करें अपना फायदा तो हम सभी सोचते हैं लेकिन कोशिश करें कि सामने वाले का भी फायदा हो जब एक विन विन सिचुएशन रहेगी तो उसमें आप लॉन्ग रन में ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए तो चलिए इस कॉपीज आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द चैरिएट और ये कार्ड कहीं पॉजिटिव आउटकम पॉजिटिव रिजल्ट की बात करता है कहीं ग्रोथ प्रोग्रेस को भी रिप्रेजेंट करता है और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है कहीं जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है बहुत एक कॉन्फिडेंस आपको आता हुआ दिख रहा है आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं फिर से कहूँगी ग्रोथ प्रोग्रेस या तो हो रही है या फिर यू you नो know, कैसे वो एक मकाम आप अचीव करें कैसे वो एक ग्रोथ प्रोग्रेस जो आप चाहते हैं उसको आप पाएं, आप उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं एक मूवमेंट होती हुई दिख रही है आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर बहुत तेजी से बढ़ना चाह रहे हैं स्पेशली पीछे अगर आप स्टक महसूस कर रहे थे तो उन स्टक एनर्जी से भी इस वीक आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं कुछ कॉपी उसके लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं ऑल इन ऑल ये भी काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है फिर से कहूँगी एक ग्रोथ प्रोग्रेस सक्सेस विक्ट्री या तो आपको मिल रही है या फिर जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है आपको ऐसे लग रहा है कि येस अब वो ग्रोथ अब वो प्रोग्रेस आपको मिल जाएगी अब वो एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल जाएगा पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड है और कहीं देखिए चैरियट एंड सिक्स ऑफ वॉन्स सिमिलर एनर्जीज की बात करते हैं तो जो एक एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं सिमिलर सी एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में भी रह रही हैं यानी कि पीछे किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत एफर्ट कर रहे थे मेहनत कर रहे थे इस वीक उसका एक पॉजिटिव आउटकम या तो आपको मिल रहा है या फिर आपको लग रहा है कि अब वो पॉजिटिव आउटकम अब वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएगा आपको आपके लव वंस क्लोज वंस फैमिली मेम्बर्स की तरफ से काफ़ी अप्रिसिएशन काफ़ी रिकग्निशन भी मिलती हुई दिख रही है और जो भी पर्सनल फ्रंट में हो रहा है अगेन मैं कहूँगी बहुत कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है बहुत जबरदस्त एक श्योरिटी चीजों को लेकर आती हुई दिख रही है तो देखिए ऑल इन ऑल फिर से ये भी काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है चाहे प्रोफेशनल फ्रंट हो या फिर पर्सनल फ्रंट हो और दोनों ही फ्रंट्स में सिमिलर सी एनर्जीज रह रही हैं और जब भी भी ये आट जाते हैं मैं यही कहती हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम बहुत चीज़ों को लेकर कैजुअल हो जाते हैं फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और फिर इसी वजह से हम बाद में परेशान भी होते हैं एक कहावत भी है ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन तो फिर से कहूँगी कि कॉन्फिडेंट हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को होते हुए पाएं तो जरूर इसको चेक करके करेक्ट करें अदरवाइज ये वीक आपका बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है पर्सनल फ्रेंड में आप थोड़ा सा लाइमलाइट में रहते हुए दिख रहे हैं आपको आपके लव वंस क्लोज वंस की तरफ से काफ़ी अटेंशन भी मिलती हुई दिख रही है एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए बैल्सम मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है अ टाइम फॉर हीलिंग तो पीछे कुछ भी इश्यूज थे मसले थे मेंटली इमोशनली या फिर फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड इस वीक आपकी हीलिंग होती हुई दिख रही है या फिर कार्ड आपको कह रहा है कि हीलिंग पे फोकस करें और स yes, थोड़ा सा यू you नो know, जो भी चीज़ आपको बॉर्डर कर रही है कैसे आप उसको हील कर सकते हैं उस पर आप ज़रूर थोड़ा अटेंशन दें अदरवाइज़ कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी हीलिंग हो ही रही है एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे तो ये था इसकापिज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए तो चलिए इसे आप लोगों के लिए देखेंगे क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं छोटी छोटी सी डिटेल्स पे आप अटेंशन दे रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड अगर कोई और स्किल एक्वायर करने की ज़रूरत है नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है वो भी आप करते हुए दिख रहे हैं इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि पैसा आएगा जब आप अपने काम पर फोकस करेंगे जब आप जब अपने काम को बहुत अच्छे से करेंगे और इसी एनर्जी के साथ आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं यानी कि पैसा गेन पॉजिटिव आउटकम पॉजिटिव रिजल्ट ये आपका फोकस नहीं है आई नो ये हम सब लोगों को चाहिए बट कभी कभी होता है ना हम सिर्फ आउटकम पे फोकस कर रहे होते हैं अपने काम पे उतना फोकस नहीं कर रहे होते हैं और इस वीक कहीं ऐसा नहीं हो रहा है आप बहुत श्योर हैं कि भाई अगर आपने अपना काम अच्छे से करा ना तो पैसा तो आएगा ही आएगा पॉजिटिव आउटकम तो आएगा ही आएगा वो कहीं आपका कंसर्न नहीं है और ओवरऑल ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर कोई वर्क आप अपने लिए देख रहे हैं है, आपको मिल सकता है उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव एनर्जीज रहते हुए दिख रही हैं एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रेंड में एक कंफ्यूजन रह सकती है किसी चीज़ को लेकर एक फियर रह सकता है इनसिक्योरिटी रह सकती है या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि इसका आउटकम क्या होगा क्या आप अचीव करेंगे फिर से कहोगे कन्फ्यूजन सी रहती रहती हुई दिख रही है माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं बहुत इमोशनल चीज़ों को लेकर हो रहे हैं इमोशंस आपके ऊपर हावी होती हुई दिख रही हैं और अगर ऐसा आप भी पाएँ तो ज़रूर थोड़ा सा यू नो इन्हीं एनर्जी से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं उस पर ज़रूर फोकस करें क्योंकि जिस भी एनर्जी में बहुत टाइम तक हम रहते हैं हम उसमें ही इतने डीप चले जाते हैं फिर उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है और देखिए जब भी, भी मो का कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ आपने सबसे पहली चीज़ अपने थॉट्स को लेकर बहुत अवेयर होना है जैसे ही आपको लगे कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर बहुत इमोशंस वाले थॉट्स आ रहे हैं एक यू नो कंफ्यूजन वाले थॉट्स आ रहे हैं इमीजिएटली आपने उनको चेक करके करेक्ट करना है उसको आपने रिकॉल कैंसिल डिलीट करना है जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस थॉट को यूनिवर्स में जा जाने से रोक लेते हैं और कहीं हम उसकी जगह पर जब एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं या फिर जो हम चाहते हैं हम उसको क्रिएट करते हैं तब यू you नो know, एक एनर्जीज में शिफ्ट आता है हम बेटर फील करते हैं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड हमारा होता है और चीज़ें भी फिर एक्सटर्नल फ्रंट पे बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं तो इस वीक पर्सनल फ्रंट में इसी चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू स्टार्ट कमिंग का कार्ड है तो बहुत ही जल्दी एक नई शुरुआत आपके पर्सनल प्रोफेशनल या फिर दोनों ही फ्रंट्स में होती हुई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि इस वीक ही आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि एक नई बिगनिंग हो रही है लेकिन कितनी बारी होता है ना कि हम जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं उसमें इतना ज़्यादा उलट जाते हैं या फिर पुरानी चीज़ों को लटको नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से जो एक बहुत ब्यूटीफुल नई बिगनिंग हमारी लाइफ में होने वाली होती है या फिर नई चीज़ें हमारी लाइफ में आने के लिए इगर होती हैं हम उनको नहीं वेलकम कर पाते हैं और फिर हम जो भी परेशानी वाली चीज़ें होती हैं उनमें से खुद को बाहर नहीं निकाल पाते हैं और हम बाद में फिर परेशान होते हैं देखिए तो यहाँ यह पर मैं आपको यही कहूँगी कि एक नई बिगनिंग होने वाली है जो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में लाने वाली है थोड़ा सा आप रिसेप्टिव रहें थोड़ा सा आप इन्हीं नई चीज़ों के लिए वेलकमिंग रहें एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है इसके हिसाब से जो भी समुद्र के रंग हैं सी ग्रीन सी ब्लू आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे तो ये था सेटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सप्ताह एक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है फाइव ऑफ कप्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफ़िकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर मायूस हो रहे हैं एक रिग्रेट रहता हुआ दिख रहा है अब देखिए इन्हीं एनर्जीज़ के लिए सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीज़न्स रहेंगे लेकिन अगर इस कार्ड को हम देखें तो ये कार्ड कहता है कि जो चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ठीक नहीं चल रही हैं आप उन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कोई गलती पीछे हुई उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाए मिस किया उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जब भी, भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं हम परेशान तो होते ही होते हैं और जब भी, भी एक कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ आपने अपनी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट लेकर आना है जो चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ठीक चल रही हैं बढ़िया चल रही हैं आपने उन पर फोकस करना है क्योंकि देखिए इस पूरी ही दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कुछ इशू कुछ मसला ना हो चाहे फिर वो किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो शाहरुख खान हो या फिर रणवीर कपूर हो कुछ ना कुछ इशू मसला तो सभी की लाइफ में रहता है और हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं वही डिटर्मिन करता है कि उस सिचुएशन में हम कितने परेशान होंगे या कितनी आसानी से बाहर निकलेंगे यानी कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक नहीं चल रही हैं हम उन पे फोकस करते हैं प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं वो बढ़ती जाती हैं और फिर हम और ज़्यादा परेशान होते हैं और जब हम थोड़ा सा पॉज करके खुद को पूछते हैं कि भाई इस सिचुएशन में हम कुछ कर सकते हैं और हम करने पर फोकस करते हैं यानी कि एक्शन उसको सॉल्व करने के लिए लेने पे फोकस करते हैं हम चीज़ों को बेटर करते हैं और जब हमें यह एहसास होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं हम सरेंडर मोड में आते हैं और जो चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी चल रही हैं हम उन पे फोकस करते हैं हमारी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आता है हम यू नो बेटर एनर्जीज़ में वाइब्रेट करते हैं यूनिवर्स से बेटर एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ को भी बेटर करते हैं और इसी चीज़ का ख्याल इस वीक आपने जरूर रखना है अगर आप चीजों को बेहतर करना चाहते हैं और अगर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर थोड़ा परेशान हो सकते हैं एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है द सन इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन द डेक ये कार्ड कहीं पॉजिटिविटी की बात करता है कहीं यू नो सक्सेस की बात करता है विक्ट्री की बात करता है पॉजिटिव आउटकम पॉजिटिव रिजल्ट की बात करता है नई बिगनिंग की बात करता है हैप्पीनेस की बात करता है जॉय की बात करता है नॉलेज की बात करता है नई बिगनिंग की बात करता है और नई बिगनिंग जो हैप्पीनेस जॉय एंथजम एक्साइटमेंट ला रही है और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो हो सकता है कि बहुत बड़ी कोई चीज नहीं हो रही है लेकिन जो भी हो रहा है आप खुश फील करते हुए दिख रहे हैं हैप्पी रहते हुए दिख रहे हैं कहीं नो एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है एग्जाम्पल के तौर पर देखिए सन कहीं मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है तो अगर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं ये वीक इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी अच्छा जाएगा और अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है आप उसके रिजल्ट की वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव आपका रिजल्ट रहेगा आपको सक्सेस मिलेगी किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट कर रहे थे और इस वीक उसके भी आउटकम का वेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट में आप बहुत हैप्पी रहते हुए दिख रहे हैं एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन का कार्ड है तो जो भी आप कर रहे हैं बहुत लविंगली बहुत कम्पेशनेटली करें आप गुस्सा ना आने दें और ख़ास कर देखिए प्रोफेशनल फ्रेंड में हमने देखा कि आप लो फील कर रहे हैं लो फील करना एक नेगेटिव इमोशन होती है रिग्रेट करना एक नेगेटिव इमोशन होती है तो इन इमोशन्स के साथ चीज़ों को ना डील करें बहुत लविंगली बहुत कम्पेशनेटली चीज़ों को डील करें एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए तो चलिए एक वेरे आप लोगों के लिए दिखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहली चीज पेंटिकल्स का कार्ड है तो मनी पैसा मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीजों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से आपको फ़ायदा गेन हो सकता है या फिर इन्हीं चीज़ों पे फोकस है और कहीं देखिए मनी पैसे से रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव ही रहती हुई दिख रही हैं और ये कार्ड कहीं यू you नो know, बहुत ही फोकस बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना काम भी करने की बात करता है और कुछ ऐसा भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में करते हुए दिख रहे हैं ये कार्ड कहीं टीम वर्क को भी रिप्रेजेंट करता है तो जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं आपके लिए काम कर रहे हैं उनका बहुत एक सपोर्ट रहता हुआ दिख रहा है या फिर उनके साथ मिलकर आप कोई काम कर रहे हैं टीम वर्क में काम करते हुए दिख रहे हैं बहुत एक कोऑर्डिनेशन रहता हुआ दिख रहा है और आपको कहीं आपके टीम मेंबर्स या फिर जो लोग आपके लिए काम करते हैं आपके साथ काम करते हैं उनकी तरफ से एक एप्रिसिएशन रिक्शन भी मिलता हुआ दिख रहा है ऑल इन ऑल प्रोफेशनल रिलेटेड ये भी काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोच का कार्ड है सबसे पहली चीज़ ये मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है कहीं आगे बढ़ने की बात करता है ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है कुछ के लिए हो सकता है सिंपली यू नो आप ट्रैवल कर रहे हैं और हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपका प्लान बन गया आपने सोचा भी नहीं था आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इस वीक आप ट्रैवल करेंगे और फिर अचानक से आपका प्रोग्राम बन गया कुछ के लिए हो सकता है पीछे किसी भी चीज़ में आप बहुत स्टक फील कर रहे थे बहुत अटका हुआ फील कर रहे थे तो अचानक से उसमें से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए सडन चेंजेस भी इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकते हैं और जो भी आप कर रहे हैं जो भी हो रहा है कहीं आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं इमोशनल नहीं होते हुए दिख रहे हैं सेंटिमेंटल नहीं होते हुए दिख रहे हैं या फिर नहीं होना चाह रहे हैं अब देखिए रीजंस अगेन सबके लिए डिफर करेंगे बहुत तेज़ी से बहुत स्पीड से अपने गोल अपने मकसद की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ब्लंट काफ़ी स्ट्रेट फॉर्वर्ड रहता हुआ दिख रहा है जो कि बहुत अच्छी बात भी है लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपका कम्युनिकेशन यून No, बहुत ज्यादा ही ब्लंट हो रहा है यानी कि इतना ज्यादा ब्लंट कि सामने वाले को हर्ट कर रहा है थोड़े से आप सरकास्टिक हो रहे हैं टॉन्टिंग वे में बात कर रहे हैं तो इसको जरूर चेक करके करेक्ट करें एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए वॉयड ऑफ कोर्स मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन तो देखिए इसके लिटरल मीनिंग को देखें तो ये कार्ड कहता है जो भी सिचुएशन है ना उसमें से कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकलेगा अब कुछ पॉजिटिव चीज़ है जिसपे फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं क्योंकि जितना भी आप एफर्ट करें कुछ यू नो कॉन्क्रीट रिजल्ट इसका नहीं रहता हुआ दिख रहा है कुछ एक पॉजिटिव या फिर मैं कहूँगी कॉन्क्रीट आउटकम नहीं मिलता हुआ दिख रहा है

स्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए तो चलिए प्राइसेस आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइन ऑफ कप्स और नाइन ऑफ कप्स का कार्ड टैरो में कहीं विश कम ट्रू की बात करता है यानी कि इच्छा पूरी होने की बात करता है अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सब पाइसिस की प्रोफेशनल फ्रेंड से रिलेटेड इस वीक कोई इच्छा पूरी हो रही है बट डेफिनेटली कुछ पाइसिस की कोई इच्छा प्रोफेशनल फ्रेंड से रिलेटेड इस वीक ज़रूर पूरी हो सकती है और जिनकी नहीं हो रही है उनको इस वीक एक बहुत पॉजिटिविटी रह सकती है यानी कि बहुत एक पॉजिटिविटी आपको फील हो सकती है कि येस अब आपकी ये इच्छा अब आपकी ये विश पूरी हो जाएगी और अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो जो आपकी विश है जो आपकी डिज़ायर है आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड आप उस पर फोकस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और देखिए जब हम ऐसा भी कर रहे होते तो बहुत ही हैप्पीनेस जॉय महसूस करते हैं तो इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक हैप्पीनेस जॉय आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस करते हुए दिख रहे हैं मैंने अब ये तीन ऑप्शंस इसलिए दिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं सबकी डिफ़रेंट सिचुएशंस होती हैं सब अपने प्रोफेशनल फ्रंट में डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं और इसीलिए यू नो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती हैं लेकिन फिर से कहूँगी ऑल एंड ऑल नाइन ऑफ कप्स का कार्ड कहीं हैप्पीनेस की बात करता है जॉय की बात करता है सेटिस्फेक्शन की बात करता है कंटेनमेंट की बात करता है और ऐसा ही अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं रीजन सिचुएशन फिर से सब के लिए डिफर करेंगे कहीं कुछ के लिए ये भी हो सकता है ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही है कोई इवेंट हो रहा है या फिर आपने कोई चीज अचीव करी या आपके को वर्कर ने कोई चीज अचीव करी और उसकी पार्टी या तो आप दे रहे हैं या फिर आपके को वर्कर दे रहे हैं या फिर अदरवाइज भी जो लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ आप अपना बॉन्ड बेहतर करना चाहते हैं तो कहीं देखिए इमोशंस फीलिंग्स लव रिलेशनशिप्स इस वीक आपके लिए ज़्यादा अहम रह रहे हैं और अगेन काफ़ी आप हैप्पी रहते हुए दिख रहे हैं एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द एम्प्रॉड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में बहुत सिस्टमैटिकली आप चीजों को करना चाह रहे हैं हो सकता है पीछे बहुत चीजें हैप मैनर में थी कहीं यू नो तरीके से आप चीज़ों को नहीं कर पाए थे बहुत अनऑर्गेनाइज थी और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया थोड़ा सा तो डिसिप्लिन लाना है चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करना है पीछे अगर आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर उतना फोकस नहीं कर रहे थे तो इस वीक सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत बहुत अहम रहती हुई दिख रही है या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट को आप बहुत प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं पावर पोजीशन अथॉरिटी आपके लिए काफ़ी अहम रह रही है या तो आपको मिल रही है या फिर कैसे आप अचीव करें अपने रिलेशनशिप्स में या पर्सनल फ्रेंड में जो भी हो रहा है उसमें उस, उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है ज़्यादा बातचीत हो रही है या तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनका सपोर्ट आपके लिए रह रहा है ऑल इन ऑल देखिए पर्सनल फ्रेंड भी काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है इज़ अ पॉजिटिव कार्ड एंड इनफैक्ट मैं कहूँगी पूरा ही हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन पाइसिस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी तो देखिए ऑल इन ऑल ये कार्ड कहता है कि बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है अगर आप बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर तो थोड़ा सा इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें मैंने हमेशा कहा है हार्ट और माइंड का बैलेंस ही एक आइडियल सिचुएशन होती है जब हम ओवर लॉजिकल हो जाते हैं तब भी चीज़ों को ख़राब करते हैं ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं तब भी चीज़ों को ख़राब करते हैं ओवर इमोशनल हो जाते हैं तब भी चीज़ों को ख़राब करते हैं और जब मॉडरेट तरीके से हम सब इमोशंस को फीलिंग्स को चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं तो फिर लाइफ में चीज़ें ठीक रहती हैं लाइफ आसान रहती है और हम भी खुश रहते हैं तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिड़यान का कार्ड है इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए